दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु लव राशि फल 2025। धनु राशि यानी सेजिटेरियस साइन। धनु राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति नए वर्ष 2025 में कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा यह लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों ग्रहों की स्थितियां 2025 में विशेष रूप से आपके लिए बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। राहु का परिवर्तन, केतु का परिवर्तन और शनि का परिवर्तन, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन आपके लिए गुरु का परिवर्तन माना जाएगा। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी चीजों में बदलाव लेकर आएगा। ये बदलाव अच्छे हैं या बुरे, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव रिलेशनशिप में है तो क्या होगा, वन साइड लव है तो क्या होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है, 2025 कैसा रहेगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या हो सकता है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। इसीलिए पहले से चेतावनी है कि अगर आपको मीठी बातें पसंद हैं तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जिसमें मैंने विशेष रूप से ग्रहों की स्थितियों में सबसे पहले अगर राहु को ध्यान में रखें तो आपको मैं यही कहूंगा कि मेरे मुंह से जो शब्द निकलने वाले हैं वो आपको बुरे लग सकते हैं, मैं जो प्रिडिक्ट करने वाला हूं वो आपको बुरा लग सकता है, हो सकता है पसंद ना आए। इसलिए ये जान लीजिए कि यहां पर सच सुनने को मिलेगा, वो सुनने को मिलेगा जो एक्चुअली में आपके साथ में होगा, वो नहीं जो आपको सिर्फ अच्छा लगे। इस चीज को अगर समझ सकते हैं तो वीडियो आगे देख सकते हैं। हालांकि कितना भी मना करें, आप सोचेंगे तो उसी तरीके से जैसे आप सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि 2025 में जो टाइम बताऊं वो टाइम निकल जाए, उसके बावजूद भी अगर आपके साथ में ये ना हो तो आप कमेंट करिए, फिर चाहे कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस वक्त पर वो होते हुए देखेंगे जो मैं कहूंगा, इसलिए मैं कहता हूं कि यह होकर के ही रहेगा। यह वार्षिक लव राशि फल है। और मैं आपको बहुत बड़ी बात यह भी बता दूं कि हमारे 5 वर्षों से जितने भी लव राशि फल के वीडियोस वार्षिक लव राशि फल के मिले हैं, जाकर के देखिए 2024 कैसा गया आपका, ये आप जान चुके हैं। अब तो जान ही चुके हैं ना, 9-10 महीने जो हो रहे हैं आपके, 2024 के 9 महीने पूरे कर लिए आपने, तो अब तो जान ही गए होंगे कि 2024 कैसा निकला। अब जाकर के मेरी वो वीडियो देखिए और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि जो जो मैंने बताया वो आपके साथ हुआ। और अब जो बता रहा हूं 2025 कैसा जाएगा, वो भी वही होगा जो मैं बताऊंगा। आपकी पर्सनल कुंडली के अनुसार भी डिपेंड करता है कि आपके साथ में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो होने के चांस आपके साथ में 100% है, इसलिए होंगे तो आपके साथ जरूर, चाहे मैं अच्छी बात बोलूं या बुरी बात बोलूं, वो होगी जरूर। हो सकता है वो कुछ मात्रा में कुछ ज्यादा ही हो जाए और कुछ कम हो सकता है मैं अच्छा बोलूं और वो अच्छा आपके साथ कम हो, और मैं बुरा बोलूं कि बुरा कम होगा, वहां बुरा ज्यादा भी हो जाए, पर होगा, जैसा बोलूंगा वैसा होगा। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सिंगल है उनके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए वर्ष में सबसे पहली स्थिति जो आपके लिए बदल रही है वो शनि परिवर्तन है। शनि देव परिवर्तन करेंगे और ये परिवर्तन आप अगर सिंगल हैं तब भी, पूरे वर्ष के लिए मैं कहूंगा, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। राहु का तृतीय भाव से संबंध बनना, आपके द्वितीय और तृतीय का चतुर्थ में गोचर करना, ये इस चीज को दिखाता है कि जितने भी लोग सिंगल हैं और जो भी वन साइड लव करते हैं उन लोगों के लिए ये साल कंफ्यूजन वाला है, यानी कि कंफ्यूज कर देने वाला है और
सामने वाला जो व्यक्ति जिसे आप पसंद करते होंगे या जो आपको पसंद आएगा वो, उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर बढ़ेगी या फिर उसकी नेगेटिव साइड भी आपको दिखाई देंगी और आपको एहसास होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उलझते जा रहे हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट कर दूं, ये साल आपके लिए उस हिसाब से अच्छा है कि आपको कोई चाहिए, आप बिल्कुल सिंगल हैं, अलोन फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई व्यक्ति चाहिए तो यस, वो आपको इस 2025 में ज़रूर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अधिक चांसेस जो बन रहे हैं वो 7 जून से 28 जुलाई के बीच में 100% वाले चांसेस हैं। मतलब उससे पहले भी आपका हो सकता है, मार्च से पहले जैसी स्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन मैंने वो डेट बताई जिसमें आपका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होने वाला है। और वन साइड लव अगर आप करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आप उस व्यक्ति को बार बार उस व्यक्ति के लिए मरे जाएंगे, उस लिए पीछे पड़ेंगे उसके, लेकिन वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी करता रहेगा जिससे आप उधर उलझे हुए रहेंगे और आपका प्यार बढ़ता ही जाएगा। उसका कारण होगा शनि। शनि आपके इमोशंस को बढ़ाएगा और सामने वाले आपके इमोशंस को हर्ट करेगा। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वो तो मजाक है, लेकिन कई बार आपको यह महसूस भी होगा कि एक्चुअली में वो आपकी इंसल्ट कर रहा है या वो आपको हर्ट कर रहा है या आपको उतना सीरियसली वो ले नहीं रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी पूरे साल में। अगर हम बात उनकी करें, देखिए अब मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, अगर आपका ये सवाल है कि क्या फिर वन साइड लव टू साइड में होगा, तो उसके लिए मैं बहुत क्लियर कट आंसर आपको कर दूं कि इसमें चांसेस तो नहीं है। लेकिन अगर कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में राहु का संबंध पंचम नवम या त्रिकोण से भी नहीं बना है, लग्न से नहीं बना है, तो फिर हो सकता है कि आपके कुछ ना कुछ संभावनाएं बन जाएं और आपका उधर मिलन हो जाए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा ये मिलन बहुत बुरा है। और बहुत स्पष्ट एक बात और कहूंगा, लव लाइफ के बारे में जानेंगे लेकिन एक बात और स्पष्ट कहूंगा कि नए रिश्ते में जाना इस साल 2025 में, इस साल नए रिश्ते में जाना यानी कि लिखवा लो आप, ये सबसे बड़ी गलती बार बार कहोगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने करी इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करके या इस व्यक्ति को पसंद करके, इस व्यक्ति को प्रपोज करके। यानी कि नए व्यक्ति को अपनी लाइफ में ना एंट्री देनी है ना नए व्यक्ति की लाइफ में जाना है, इतनी बात समझ लीजिए। बात अगर लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में मैं आपको फिर भी कहूंगा कि भरोसे की कमी होगी, थोड़े बहुत झगड़े भी हो जाएंगे लेकिन ब्रेकअप नहीं होगा। कुछ नो कॉन्टेक्ट में भी एक आधी दिन के लिए चले जाएं या छोटी मोटी लड़ाइयां भी हो जाएं या थोड़ा रिश्ता टॉक्सिक भी बन जाए लेकिन ब्रेकअप नहीं होगा। एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं, धोखा नहीं देंगे। पर विश्वास की कमी क्यों होगी, उसके पीछे रीजन है कि थोड़ा सा आपका प्यार, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा ही आपका प्यार बढ़ जाएगा। जैसे कि नॉर्मली धनु राशि वाले अंदर से इमोशनल होते हैं पर बाहर से लगते नहीं है, लेकिन इस बार 2025 आपको बाहर से भी इतना इमोशनल दिखाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे करें। और उस वजह से आपका वह पार्टनर आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा जितनी आप डिमांड आपकी होगी या फिर आप जो चाहते होंगे। और उसका नतीजा ये होगा कि वो व्यक्ति बार 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 ऐसी बातें करेगा जिससे आप खुद उसे ब्लॉक कर दें और फिर 2 घंटे बाद अनब्लॉक कर दें, ऐसी स्थितियां चलेंगी। 2025 में आप इतना गांठ बांध लीजिए कि आपके लिए मई का महीना, आपके लिए सितंबर का महीना, आपके लिए दिसंबर का महीना सबसे ज़्यादा बुरा रहेगा, अदरवाइज फिर भी चीज़ें ठीक ठाक चलती रहेंगी। ये तो आपकी लव लाइफ में एक मैंने आपको वो बातें बताई जो आपके साथ में होंगी होंगी, लेकिन कुछ और विशेष बातें, जैसे कि अगर आप लव लाइफ में मैरिज करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, 2025 ही चुना है आपने, नहीं हो पाएगी, कितनी भी कोशिश कर लेंगे कि 2025 में वो लव मैरिज हो जाए, नहीं हो पाएगी, चीज़ें फिसलेंगी आपके हाथ से, निकलेंगी, डिले होंगी और हर तरीके से आपको ये लगेगा कि ये क्या हो रहा है, होता भी है। और इसीलिए आपकी इंगेजमेंट फिक्स होने के बावजूद भी अगर टूट जाए या फिर इंगेजमेंट होने के बावजूद भी शादी ना हो पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, फैमिली मानते मानते भी ना माने तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही आपके लिए 2025 दिखा रहा है।
बात अगर हम उनकी करें जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं वो बड़े ही परेशान हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि अब किसी भी प्रकार से फिर रिश्ता सुधर नहीं सकता है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि रिश्ता सुधर नहीं सकता है तो इसका मतलब रिश्ता तो अभी भी बचा हुआ है और निश्चित रूप से आप उसे बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है। 2025 में आप अपने गुस्से के कारण या फिर आपके पार्टनर को बहुत अधिक गुस्सा आता है, उस वजह से कभी भी ईगो की वजह से कॉन्टेक्ट में सही ढंग से आ ही नहीं पाएंगे। जितना ज़्यादा आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को प्रयास भी करेंगे कि चलो मैं झुक जाता हूँ या आप प्रयास करें मैं झुक जाऊँ वो प्रयास करें, लोग दोनों अपनी जगह पर रिश्ता सुधारना भी चाहेंगे लेकिन टाइमिंग बहुत गलत होगी। जब वो आपकी तरफ ध्यान देंगे तो आप ईगो में मरे जाएंगे और इस वजह से रिश्ता सुधर नहीं पाएगा। लेकिन 2025 के बावजूद भी आपको अगले साल ये उम्मीद मिल जाती कि वो आपकी लाइफ में फिर भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आपका प्रॉपरली ब्रेकअप हो गया है 2025 में भी। 2025 में भी आपको ये लगेगा कि ये ब्रेकअप नहीं है, ये कुछ लोग बोल देते हैं इसको भी ब्रेकअप, लेकिन अगर आप समझदारी से समझेंगे तो ब्रेकअप नहीं है, एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है जिसमें आपके पार्टनर आपसे बहुत नाराज हैं, ऐसा ही आपको प्रतीत होता रहेगा। बात अब उनकी कर लेते हैं जो मैरिड हैं। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने मैं बेस्ट कहूँगा। उसके बाद में बाकी के लगभग महीने बुरे हैं, लेकिन फिर भी जा करके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या 3 महीने फिर भी थोड़े बहुत ठीक रहेंगे, लेकिन बाकी के महीने मैरिड लाइफ को बहुत गलत दर्शाते हैं। मैरिड लाइफ में भरोसे की कमी होगी, मैरिड लाइफ में तलाक भी हो सकता है, मैरिड लाइफ में बहुत बुरी चीटिंग भी आपके पार्टनर आपके साथ कर सकते हैं, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल सकते हैं, कुछ काली करतूतें सामने आ सकती हैं, जिस वजह से आपकी मैरिड लाइफ तो लगभग उजड़ने वाली है, लगभग मैरिड लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। मान लीजिए कुंडली बहुत स्ट्रांग है और मैरिड लाइफ भी बहुत स्ट्रांग चल रही है, तो फिर भी क्या ऐसा होने के पॉसिबिलिटी है, फिर भी क्या ऐसे चांसेस हैं, तो मैं आपको बहुत क्लियर कट कहूंगा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, 100% आएंगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी भरोसे की कमी, चीटिंग, थर्ड पार्टी, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। और अगर आप फिजिकल रिलेशन में आप बहुत इन्वॉल्व रहते हैं या फिजिकल नीड आपकी बहुत है तो पार्टनर के साथ में संबंध बहुत खराब हो जाएंगे। तो यह थी मैरिड लाइफ की स्थिति। अब जान लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति और उसके बाद में 3 राशियों के नाम भी बताएंगे। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 2025, खास करके मैं आपको ओवरऑल कहूंगा 2025 कैसा है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, नए अफेयर बन सकते हैं, अफेयर लिव इन में भी जा सकता है, अफेयर शादी में भी बदल सकता है, होने को बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपके लिए मैं एक शब्द में कहूं तो 2025 आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट रहने वाला है। कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो आपके लिए 2025 बहुत बेस्ट रहेगा। वो कुछ महीने जो हैं वो आपको आपके पार्टनर के साथ में ऐसा फंसा देंगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बदनाम हो जाएं। और वो विशेष रूप से मैं कहूँगा कि जुलाई के महीने में सावधान रहें और अक्टूबर के महीने में भी थोड़ा सावधानी बरतें, अदरवाइज आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां बहुत ठीक रहने वाली हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मई के महीने में अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करिएगा, इमोशनल अटैचमेंट इतना न बढ़ जाए कि आप अपना अकाउंट ही खाली कर दें और वो आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है कि इतना मैंने पैसा बर्बाद कर दिया। ईगो में आकर के भी हो सकता है और इमोशंस में भी हो सकता है, इमोशनल ईगो हर्ट हो सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल 2025। धनुराशि वालों, अब जानते हैं वह 3 राशियां, अगर उन राशियों की एंट्री आपकी लाइफ में होती है या वर्तमान में भी आपकी लाइफ में उपस्थित हैं ये राशियां, मतलब इन राशियों के पार्टनर, तो निश्चित रूप से आप लकी रहेंगे। 2025 आपके लिए मदमस्त रहने वाला और मदमस्त लाइफ एकदम से करने वाला है, मतलब और लकी रहने वाले आप। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि और तीसरी राशि है कुंभ राशि। इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए ये साल लकी रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।